आप देख सकते हैं गोंडा वार्ड के निगम पार्षदा दुर्गेश तिवारी अब जो कि यहाँ पे कार्यक्रम पहले से ही आयोजित होना था फल वितरण का, यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो करीब 20 से 22 दिन का जो ये कार्यक्रम बीजेपी चला रही है पूरे देश में उसी का एक कड़ी है। और आप देखिए ये लोगों के बीच में फल वितरण किया जा रहा है, इस क्षेत्र के लोग हैं और यहाँ के समाज के सभी लोग हैं और ये कार्य दुर्गेश तिवारी जो यहाँ के निगम पार्षद हैं घोंडा वार्ड की उनके द्वारा किया जा रहा है, साथ ही साथ सूर्यकांत तिवारी जो कि इनके पति हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जितने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के आरएसएस के और ऐसे ही संगठनों के वो लगातार इस कार्य को कर रहे हैं। और यह कार्यक्रम आज यहाँ हो रहा है, अभी कल अंबेडकर बस्ती में भी इनके द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था और ऐसे ही कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और उसी के चलते लगातार बीजेपी पूरे भारत में सेवा सप्ताह का रूप से यह उनका जन्मदिन मना रही है, क्योंकि बीजेपी का मानना है पैसा बर्बाद करना या फालतू की चीज़ें शोर शराबा करना या लोगों के बीच में अपनी पैट बनाने के लिए हो हल्ला करना, यह नहीं, हम सादगी के लोग हैं, हमारा आरएसएस से संगठन से जुड़ाव है और हम इसी धारणा पर चलते हैं, हम लोगों की सेवा जन की सेवा करते हैं और अगर हमारा जन्मदिन भी है तो हम भी उसको सेवा भाव के रूप में ही मनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैडम, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आप मना रहे हैं पिछले कई दिनों से? हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन 17 सितंबर से जो पखवाड़ा चला है 7 अक्टूबर तक रेगुलर कोई ना कोई प्रोग्राम कर रहे हैं। पहले हमने वाल्मीकि बस्ती में उनका केक काट के और वाल्मीकि बस्ती में टॉफियां बच्चों को बांटकर मनाया, अंबेडकर बस्ती में मनाया, इसी तरह से सभी बस्तियों में रोज़ डेली जाकर हम प्रोग्राम कर रहे हैं। आज यहाँ फल वितरण है, कल और प्रोग्राम है, इसी तरह एक दिन लेडीज़ का है प्रोग्राम मैंने करा है अपने घर पे, इसी तरह से हम मोदी जी का अपना प्रोग्राम कर रहे हैं डेली। सूर्यकांत जी, इस सादगी से ही बर्थडे क्यों, शोर शराबा या धूमधड़ाका क्यों नहीं? हमारे प्रधानमंत्री जी एक सादगी के उदाहरण हैं, जिस सादगी के साथ हमारे पूरा देश जानता है कि अभी पार्लियामेंट के अंदर बरसात में जब वो प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे तो एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने छतरी अपने हाथ में ले रखी थी और जो पहले के प्रधानमंत्री हैं उनके पीछे उनका सिक्योरिटी गार्ड या उनके जो सहयोगी हैं वो छतरी लेके पकड़ के खड़े होते थे। तो हमारे प्रधानमंत्री की जो सादगी है उसी से प्रेरणा लेकर के हम लोग ऐसे सादगी के कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो फल वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे वो केक काटने का कार्यक्रम हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर बस्ती में अंबेडकर की मूर्ति पर स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम हो, चाहे डस्टबिन वितरण का कार्यक्रम हो। अभी हम सोमवार को छोटे छोटे बच्चों को कॉपी पेंसिल रबड़ बिस्किट ये सब वितरण करने का कार्यक्रम RWO के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर चालू रख रहे हैं। इसके अलावा यह प्रोग्राम जैसे आज आपको बता रहे हैं चलेगा, कुछ बड़ा प्रोग्राम भी ऐसा है जो इस पूरे वर्ल्ड में होने वाला है? बड़ा प्रोग्राम तो वो लोग करते हैं जो कोई कार्यक्रम कभी करते ही ना हो। हम तो 26 अप्रैल 2017 के बाद निरंतर हर शनिवार को हर हफ्ते दौरा करते हैं, स्वच्छता अभियान चलाते हैं। जब निगम पार्षद दुर्गेश तिवारी जी 26 अप्रैल 2017 को यहाँ से चुनाव जीत के आई थी तो इस वार्ड में मात्र 4 गाड़ियाँ थी टीपर, आज की डेट में यहाँ पर 10 टीपर हैं, 1 ट्रैक्टर है, 10 हाथ रिक्शा हैं और लगभग 10-15 हाथ ठेलियाँ हैं। अभी एक ट्रैक्टर हम और बढ़ा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि अगले 1-2 महीने के अंदर कूड़े की समस्या कहीं भी ना रह जाए और वार्ड में जितने भी ढलाव घर थे, चाहे वो घोंडा चौक हो, फतेह सिंह मार्ग हो, गांवड़ी रोड हो, इन सभी ढलाव घरों को हमने खत्म कर दिया है, खत्तों को खत्म कर दिया है। हफ्ते में 4 दिन चूना लगता है, अभी आप आ रहे होंगे 30 नंबर गली में चूने से जगमग है। स्वच्छता अभियान जो प्रधानमंत्री का है उसको हम निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। लोगों की तो बहुत कंप्लेंट है,
कि सब यहाँ सफाई नहीं होती, कई दिन कूड़ा रहता है इसलिए? नहीं, अगर उनकी कोई कंप्लेंट है तो वो हमसे मिल सकते हैं, निगम पार्षद से मिल सकते हैं, हमारे RW अध्यक्ष जहाँ जहाँ हैं, गौतम विहार, जयप्रकाश नगर, अरविंद नगर, तमाम जगह हम मिल सकते हैं। मैंने आपके न्यूज़ चैनल में अभी देखा था, कुछ दिन पहले आपने दिखाया था कि एच ब्लॉक जयप्रकाश नगर के अंदर श्री बरबीर जी परमार, उन्होंने ये दिखाया कि भाई क्षेत्र में सफाई नहीं रहती। वो कल तक हमारी पार्टी में ही थे तो हमारे साथ थे, आज वो आम आदमी पार्टी के हो गए तो हमसे पराए हो गए। हम तो ये कहना चाहते हैं कि निगम पार्षद जो है वो किसी पार्टी का नहीं होता है, वो जनता का होता है। सभी को साथ ले करके चलना, स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना, यही हमारा संकल्प है। जी सर, बताएंगे कि किस तरीके स्वच्छता अभियान चल रहा है, क्या हकीकत में क्षेत्र में गंदगी है या सफाई है? जब से श्रीमती दुर्गेश तिवारी जी निगम पार्षद बनी है तो इस क्षेत्र में सफाई बहुत ठीक प्रकार से चल रही है, और यहाँ पर कुछ गलियाँ पतली पतली बहुत हैं, उसमें रिक्शा ही केवल जा सकता है। इस कारण हो सकता कहीं असुविधा हुई हो, वरना अगर कहीं लगता भी है तो RW के माध्यम से तुरंत हम उनको कहते हैं और उस क्षेत्र में सफाई हो जाती है। अगर कोई ये कहते हैं कि सफाई नहीं है तो वो झूठ बोलते हैं। एक बार क्षेत्र में जाकर देखें, जब से ये आई है बहुत अच्छी सफाई हो रही है। हो सकता है इतना बड़ा क्षेत्र है, उसकी सफाई की जिम्मेदारी केवल एक निगम पार्षद की नहीं है, हमारी भी है। हम क्या करते हैं, जगह जगह कूड़ा फेंक देते हैं, सफाई कर्मचारी कितनी सफाई करेगा क्षेत्र के अंदर? तो सब मिलकर, केवल एक निगम परिषद की सफाई का दायित्व तो नहीं है, हम सब मिलकर अगर उसे करेंगे तो हमारे क्षेत्र में और अच्छी व्यवस्था होगी। मगर जब से ये आए हैं तो हमारे क्षेत्र में कोई भी सफाई संबंधित अव्यवस्था नहीं। मैं खुद गया था, मुझे किसी ने बुलाया नहीं था, क्योंकि मैं निकल रहा था वहाँ से, मैंने खुद देखा इस चीज़ को, वही खबर मैंने पब्लिश की थी। तो उस टाइम तो मेरे सामने गंदगी के ढेर लगे थे, उसके बाद हाँ सफाई हुई है, मैंने दोबारा रिपोर्ट की, देखा था तो हाँ सफाई हुई थी उसके बाद। हो सकता है जब आप गए हों तो उस समय वो समय ना रहा हो सफाई का, और जब बाद में गए तो सफाई हो गई हो। कर्मचारी कभी ऐसा रहते हैं, आगे पीछे हो सकता है, कोई ये विषय नहीं कि जब आप जाएंगे तभी सफाई मिलेगी।